हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्टाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाटेक पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश के नौतजा शिक्षकवृत्ति को लेकर। उत्तर प्रदेश के नौतजा शिक्षकवृत्ति फोर्थ चयन सूची जारी करती है, लेकिन अभी तक जिला आवंटन सूची जारी नहीं हुई। तो बात करते हैं कि आपकी जिला आवंटन सूची कब जारी होने की संभावना है, वही बात करते हैं कोर्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि जो ज्ञापन का प्रक्रिया चालू की गई थी, जो अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञापन प्रक्रिया चालू की गई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वही बात करते हैं अधिकारियों का क्या बयान है। तो देखते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बने स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, जिला अधिकारी महोदय को 800 चयनित लिस्ट के जिला आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। जैसे कि यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास जारी है कि यहाँ पर जो है 800 चयनित अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द जिला आवंटन सूची जारी कर दी है और यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए, उसके लेकर अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। यानी अभ्यर्थियों की तरफ से फुल प्रयास जारी है कि यहाँ पर जो है फोर्थ चयन सूची की जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाए और यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया जारी कर दी जाए। दोस्तों अभ्यर्थियों की तरफ से सोशल मीडिया पर खोला गया मोर्चा, यहाँ पर लिखा गया है चयनित अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। 69 शिक्षकवृत्ति चयनित सहायक अध्यापक चौथी सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही संघर्ष को संगठित रखने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों ने सभी 18 मंडलों में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। यानी यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की तरफ से पूरा प्रयास जारी है कि यहाँ पर जो है कोरोना काल में और यहाँ पर जो है जो आचार संहिता है उसमें भी यहाँ पर जो है आपकी फोर्थ चयन सूची की जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाए। ये दोस्तों अभ्यर्थियों के प्रयास से यहाँ पर जो है आपकी फोर्थ चयन सूची हुई थी। तो दोस्तों वही अभ्यर्थी अब भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फोर्थ चयन सूची की जो जिला आवंटन सूची जल्द जारी हो जाए और यहाँ पर इसको लेकर अभ्यर्थी प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग भी अपना प्रयास जारी रखें ताकि यहाँ पर जो है सरकार पर दबाव बने और सरकार जल्द से जल्द यहाँ पर जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाए। वही अभ्यर्थी कुछ मिलने गए थे, यहाँ पर सचिव से मिलने गए थे और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है आपके इसमें काम चल रहा है, फोर्थ चयन सूची में आपका काम चल रहा है और जैसे ही यहाँ पर जो है जो इसका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा तो आपको जिला आवंटन सूची जल्दी जारी कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर दोस्तों आपके इसके बारे में काम चला, लेकिन यहाँ पर ओमिक्रॉन के चक्कर में और थोड़ा यहाँ पर जो चुनावी आचार संहिता लगी इसकी वजह से यहाँ पर जो आपको थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ढीला है, लेकिन यहाँ पर जो आपके जो फोर्थ चयन सूची उसमें काम चल रहा है और जल्दी आपके बारे में यहाँ पर जो है निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है अगला सप्ताह जो होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है अगले सप्ताह में यहाँ पर जियो और यहाँ पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चालू कर दी जाए। दोस्तों इसका हम जैसी भी अपडेट होगी आपको प्रोडक्ट देंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर जो है जो कोर्ट केस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो कोर्ट केस में आपको हराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो कोर्ट केस हर एक भर्ती में होते हैं और यहाँ पर इसी भर्ती में भी है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो है कोर्ट का हालांकि इसमें अभी तक कुछ भी हस्तक्षेप भी नहीं किया गया, इस वजह से जो आपको घबराने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो आप अपना प्रयास जारी रखें ताकि यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द जल्द हो जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो आपकी फोर्थ चयन सूची जारी कर दी लेकिन यहाँ पर जो बाद में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया ना हो, इस वजह से अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं और अब भी प्रयास करते रहें। अगर बात करें ज्ञापन के प्रभाव को, दोस्तों यहाँ पर जो ज्ञापन का प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपकी फोर्थ चयन सूची जारी हुई है वो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के प्रयास से जारी हुई है, इस वजह से यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपना प्रयास जारी रखें ताकि आपकी चयन सूची जल्दी जारी हो जाए। और दोस्तों बात करें आप आधिकारिक बयान के लोग, दोस्तों यहाँ पर जो आधिकारिक बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप किस में काम चल रहा है। हालांकि यूपी में कोरोना का कहर काफ़ी बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है इसी चक्कर में यहाँ पर जो है आपके जो कॉलेज है और स्कूल जो है वो 23 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है चुनावी अच्छा से तभी लगी, इस वजह से यहाँ पर जो है आपका कार थोड़ा स्लो में है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी चयन सूची जल्द जल्द होने की संभावना है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।